एक घर एक ही छत। अगर बाय चांस मीरा और मैं एक ही टाइम पर छत पे चले गए तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? इतना तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? तो क्या सिल्की झूठ बोल रही है? अब बोलो विवान, सिल्की झूठ बोल रही है क्या भाई? नहीं नहीं है? अब झूठ ही बोल रही है तो सारा स्यापा ही किस बात का? क्योंकि जो सिल्की ने कहा है उसमें आधा सच है और आधा झूठ है। मतलब ये क्या कह रहे हो इवान आप? मैं झूठ भी बोलूंगी? मैं आपको बोल रही हूँ ना कि सब झूठ नहीं है। मैं आपको झूठ बोल रही है ये? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही मामा, मैं सच बोल रही हूँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ सब सच है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं जैसे इवान बोल रहा है आपको। मामा जी मेरी बात समझो। छत पर अंधेरा था, मीरा का पांव फिसल गया, मैंने मीरा को बचा लिया गिरने से। इन मैडम ने आप पता नहीं क्या शुरू कर लिया। इसको लगा कुछ और ही चल रहा है और यहाँ पे आके ये बचाना शुरू कर दिया। नहीं मामा मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन मामा मेरी बात सुनो। इसके अलावा सिल्की ने मीरा के बारे में जो भी कहा वो सब झूठ है। नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ मामा जी। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। चुप कर सिल्की, बहुत हो गई बकवास। कब से बोली जा रही है तो क्यों मेरी बेटी को बार बार बदनाम करने पर तुड़ी हुई है? उसने अपनी माँ की कसम खाई ना, इसका मतलब यह है कि वो सच बोल रहा है। वो ऐसी झूठी कसम नहीं खाता, समझ रही है? तू झूठ बोल रही है। मामी मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन अपनी बात तो सुन। चुप कर, चुप दोनों चुप। मुझे पता है इसने ऐसा क्यों किया। इंसान पर बीते हुए कल कटर इतना हावी हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता सच क्या है और झूठ क्या। और तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद इस घर में यह तमाशा दोबारा नहीं होगा। इसलिए मैंने तय किया है कि मीरा की शादी कल ही होगी। हाँ मॉम। वेरी गुड।